सीधा सीधा प्रॉफिट होता। अभी 480 के आसपास ट्रेड करता हुआ जा रहा है। इसका जो बहुत नियर टर्म टारगेट है वो 500 का है दोस्तों। फिर 500 पे एक बार वो 520 के आसपास रेजिस्टेंस को क्रॉस करते ये अपना लाइफ टाइम हाई 540 के आसपास चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में आपका नज़र होना चाहिए जिसका फंडामेंटल और जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और मीडियम रैंक का है। अभी 45.5% का दिखा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में आपका होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हो आपका जो पहले का हाई था 520 के आसपास उसको भी ब्रेक करने वाला है दोस्तों और एक यू पैटर्न बना रहा है। तो ये अप ट्रेंड में आ चुका है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो रेवेन्यू लोअर देन एवरेज एस्टिमेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा निफ्टी के साथ साथ ये भी स्टॉक नीचे आ गया था और सेल्स ग्रोथ भी पेंडिंग में था, तो इस हिसाब से ज़्यादा आपका सप्लाई नहीं कर पाया। सप्लाई और डिमांड जोन की वजह से ये एवरेज एस्टिमेट कम हो गया। और टू इसका ग्रो देखो, एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि स्टॉक प्राइस कहाँ जाने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेक्ट कर रहा है ये ईपीएस ग्रो करेगा 276%। वो जो अपने आप यहाँ से मतलब 800 रुपये अगर 276% फाइनेंशियल ईयर 2023 में ग्रो करने वाला है तो इसका प्राइस हो जाएगा 800 रुपये। तो 500 रुपये तो कुछ नहीं दोस्तों, अगर 276% अगर आप ईपीएस ग्रोथ करोगे तो आपका 30 एनालिसिस के अंदर 21 स्ट्रॉन्ग बाई, 4 बाई और 3 होल्ड सबको मिला दिया जाए तो 28 लोग 30 में बोल रहा है कि बाई करने के लिए। तो बेस्ट स्टॉक है दोस्तों। जैसे कि रेवेन्यू थोड़ा जून क्वार्टर में 2000 करोड़ कम हुआ था क्योंकि सेल्स और प्रोडक्शन उतना ज़्यादा दे नहीं पाया था, और एक्सपेंस भी इसलिए कम हो गया 2000 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 600 करोड़ हुआ है। तो आने वाला टाइम और आने वाला जो क्वार्टर रहेगा उसमें इसका बहुत ज़्यादा सेल होने वाला है, क्योंकि दिवाली में बहुत ज़्यादा कार का आपका डीलिंग से टाटा पंच और नया नया जितने भी वेरियंट का कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, ये सब में बहुत ज़्यादा इसको प्रॉफिट आने वाला है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि इसका मूविंग एवरेज देखो, फास्ट रेजिस्टेंस के जोन में ये आ चुका है 480 के लेवल में। ये रेजिस्टेंस टूटते ही इसका सपोर्ट बन जाएगा। RSI अभी सही जगह पे 65 में है और MFI भी 51 में है, और MACD एक बुलिश सिग्नल ट्रेंड कर बना के दे चुका है। यहाँ से इसका MFI इतना बढ़ते बढ़ते जब ओवरबॉट जोन में जाने वाला है, मतलब 520 को क्रॉस करते और आगे जाएगा दोस्तों, जैसा कि EPS में इस कंपनी का भी दावा है कि 276% का EPS ग्रोथ दिखाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देखो कितना अच्छा है, प्रोमोटर का होल्डिंग भी सही है, पब्लिक का होल्डिंग सही है, FII का भी होल्डिंग बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोमोटर प्लेस रिमेन अनचेंज किया है, तो 1.82% होल्डिंग का अभी भी अनचेंज्ड है। और FII और देखो थोड़ा बहुत जून क्वार्टर में बेचा है और म्यूचुअल फंड ने उस क्वार्टर को ख़रीद लिया है, क्योंकि FII को पता ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेच के चला गया था क्योंकि उनको प्रॉफिट बुक करना था, और उस हिसाब से जो गिरा हुआ था उस टाइम पे म्यूचुअल फंड ने उठाया और म्यूचुअल फंड को अभी प्रॉफिट में आ रहा होगा। म्यूचुअल फंड ने जो लास्ट क्वार्टर में लिया है, तो जून क्वार्टर में ये स्टॉक का प्राइस 378 के आसपास था, तो उस टाइम पे म्यूचुअल फंड ने ख़रीदा है, तो म्यूचुअल फंड सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा मुनाफा कमा लिया होगा। अभी 6.47 से 6.83% आपका म्यूचुअल फंड के पास है। तो देख सकते हो कि कौन सा शेयर्स सारे म्यूचुअल फंड ने आपको परचेस कर करके रखा है। अभी टाटा मोटर्स का जो नया टारगेट 415 ये भी सारे टारगेट हिट हो चुका है दोस्तों। अभी 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दोनों टारगेट को हिट करता हुआ आगे बढ़ चुका है, और 500 बहुत नियर टर्म टारगेट है और 520 भी नियर टर्म टारगेट है। तो इस स्टॉक में जब भी आएगा 20% अप मूव आ सकता है। आपका होल्डिंग होना चाहिए स्टॉक में, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके एक होल्डिंग बना सकते हो। अभी देख लेते हैं टेक्निकल में RSI क्या दिखा रहा है। टेक्निकल में RSI 65.9%, MFI 52.8 और MACD देख सकते हो एक सिग्नल बुलिश सिग्नल इंडिकेटर करके रखा है। तो ये बेस्ट
आपका स्टॉक हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो आपको महिंद्रा महिंद्रा भाग चुका, बाकी सारे मारुति भी भाग चुका, लेकिन टाटा मोटर्स अभी तक भागा नहीं है। तो अभी इसका टेक्निकल भी एक ओवरबॉट जोन में आया नहीं है MFI और RSI, और RSI अभी 65 प्लस है, मतलब यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल होगा और 520 का लेवल आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत बोलना।